हमीरपुर डिग्री कॉलेज में कुछ समय से शरारती तत्वों के द्वारा माहौल बिगड़ने के चलते कॉलेज प्रशासन अब सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है, जिसके चलते ही कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को पार्टी बैच न लगाने के निर्देश दिए हैं और अगर कोई छात्र ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्वाल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि तीनों छात्र संगठनों को इसका पालन करने के लिए कहा गया है और आदेश न मानने पर छात्रों को सस्पेंड भी किया जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्वाल ने बताया कि पार्टी बैच लगाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना, दूसरी बार 500 और तीसरी बार पकड़े जाने पर सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कॉलेज में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो छात्र संगठनों की जिम्मेदारी होगी और पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हॉल कुछ ही स्टूडेंट्स जो बना रहे हैं वो सह नहीं होगा, ये सरकारी कार्रवाई जो भी होगी हम करेंगे। और अभी जो हमने निर्णय लिया जिसमें पीटीए बॉडी भी थी हमारी, ये एक तो सबसे बड़ी बीमारी है जो बैज लगाते हैं पार्टी बैज, इसी की वजह से क्लैशेज होते हैं और इस वजह बाद में दोष बच्चे भी मारे जाते हैं, उनकी पढ़ाई हो जाती है। तो तुरंत प्रभाव से इसको हमने बंद कर दिए हैं, कोई भी पार्टी का बैज नहीं लगाएगा। पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो 300 रुपये फाइन रखा है, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि हमीरपुर डिग्री कॉलेज पिछले कुछ दिनों से लड़ाई झगड़ों का अड्डा बना हुआ है और हर तीसरे दिन छात्र संगठन आपस में मारपीट कर रहे हैं, जिसके चलते ही अब कॉलेज प्रशासन भी सख्त होकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए ठोस हल निकाल रहा है ताकि बाकी छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और कॉलेज का माहौल भी खराब न हो।